हेलो, आजकल चैनल पर दिए मजेंटा लाइफ केयर लिमिटेड आईपीओ के लिस्टिंग को लिस्टिंग ठीक ठाक मिला। इसकी कट ऑफ प्राइस 35 रुपये 45 पर लिस्ट हुआ है। 28.97% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ। बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन दे दिया और ये ठीक ठाक लिस्टिंग गेन दिया है और ये अपर सर्किट में क्लोज किया है। इसका मतलब है कि लोग अभी भी होल्ड करें, इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो अच्छा लिस्टिंग गेन के बाद इसमें अपर सर्किट भी लगा है। आज की तारीख में इसकी जो जीपी चल रही थी 42.86% इसकी जीपी चल रही, डिस्काउंट होकर के लिस्टिंग दिन मिला, लेकिन ठीक ठाक ही लिस्टिंग दिन मिला। इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अप एंड डाउन से गुजर रहा था। हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, कल के वीडियो में इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। बिजनेस की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरर बिजनेस है जो गद्दे और तकिए का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके पास कई तरीके की गद्दे और तकिए होते हैं। तकियों में मेमोरी फोम पिलो, मल्डेड काउंटर फोम पिलो इत्यादि, इसके कई तरीके की वैरायटी होते हैं गद्दे और तकिए की। तो इसका बिजनेस कुछ यूनिक कुछ खास नहीं है, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। 983.19 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। लोगों ने इस आईपीओ में भर भर कर पैसा लगाया था क्योंकि इसके जीएमपी की ओपनिंग बहुत अच्छा हुआ था और जीएमपी के बल पर लोगों ने इस आईपीओ में पैसा लगा दिया, जो की इसके बिजनेस में कुछ खास नहीं है और फाइनेंशियल स्थिति इसकी बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन की स्थिति से गुजर रही। तो ये नेगेटिव पॉइंट थी इसकी, लेकिन लिस्टिंग अच्छा ही दे दिया। यहाँ पे प्लस पॉइंट रहा तो लिस्टिंग अच्छा दे दिया। अभी अपर सर्किट में क्लोज किया तो प्लस पॉइंट है कि कल भी इसमें अपर सर्किट लगने वाला है। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे हमें होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? अगर अपर सर्किट में जाती है तब तो हमें प्रॉफिट मिलती है, लेकिन हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो किस पॉइंट से आउट होना चाहिए? हमें 28.57% की प्रॉफिट दे चुका है, तो हम लोग यहाँ पर 10% का रिस्क लेंगे। 47.25 पर क्लोज किया है, अपर सर्किट और लगाया है, तो यहाँ पर हम लोग 10% का रिस्क लेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस प्राइस निकल के आ रही है, अगर हम लोग जो अभी प्राइस चल रहा है उस पर 10% का रिस्क लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस निकल के आ रही है 42.50 पैसे का। यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है 42.50 पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। किसी भी वजह से इसके नीचे ट्रेड करती है तो हमें इस पॉइंट से आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल चुका है उसको पूरा का पूरा जीरो नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसमें से बचा करके घर ले जाना है। तो यहाँ पर जिस प्राइस पर भी ट्रेड करिए उससे हम लोग 10% का रिस्क लेंगे। 42.50 पर हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रही है। किसी भी वजह से 42.50 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करने लगे या फिर 42 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करने लगे तो फिर इसके नीचे हमें अपना पूरा पोजीशन आउट कर लेना चाहिए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।